हेलो स्टूडेंट्स, लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मिसेस ग्रेगरी क्लास 10 के पहले पाठ मित्रता के पहले गद्यांश को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इसको मैं पढ़ते हुए समझाती जाऊंगी और आप ध्यान से इसको सुनेंगे और इसके अर्थ को आप अपने कॉपी पर लिखेंगे। इसमें से कुछ प्रश्न उत्तर मैं आपसे पूछूंगी, उसका उत्तर जो मैं बताऊंगी उसी में से आपको मिलेगा। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। यहाँ मित्रता के बारे में बताया गया है कि जो मित्रता है, अगर वो आपके अच्छा मित्र है, विश्वास करने योग्य है, तो उससे आपकी ही रक्षा होती है, क्योंकि वो आपको हमेशा बुरे कामों को करने से रोकता है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। यानी एक विश्वास पात्र मित्र को यहाँ पर लेखक ने खजाने से उसकी तुलना की है। जिस प्रकार खजाने से हमारे को बहुत फायदा होता है और हमारी हर चीज़ उस पैसे से पूरी हो सकती है, उसी प्रकार एक विश्वास पात्र मित्र भी हमारे लिए खजाने के समान है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। यहाँ पर उस मित्र को जो विश्वसनीय है उसको औषधि के समान बताया है, यानी दवाई के रूप में। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में भी हमें दृढ़ करेंगे। हमें अपने मित्रों से, अर्थात जो हमारे मित्र हैं, वो एक औषधि के समान हैं, जो हमारे जिस प्रकार से एक औषधि बीमारी में बीमारी को ठीक करती है, उसी प्रकार वो व्यक्ति भी हमारी, जो हमारा मित्र है, वो हमारे बुरे समय में भी हमारी हेल्प करता है, हमारी मदद करता है, चाहे वो बातों से चाहे वो कर्मों से। और फिर कहा गया है कि हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे। उत्तम संकल्पों में दृढ़ का मतलब है कि अगर मैंने ये सोच लिया कि मुझे आज इस बार 99% या 98% या 90% तक अपने मार्क्स लाने हैं, तो ये वो मित्र कहेगा, हाँ तुम जरूर ला सकती हो, क्यों नहीं ला सकती, तुम्हारे अंदर क्षमता है इसको, तुम खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो और तो देखना तुम्हारे 90% मार्क्स जरूर आएंगे। तो इन बातों से ही वो हमें बहुत ज़्यादा प्रेरित करेगा ताकि हम अपने उस काम को और अच्छा अंजाम दे सकें। दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएगा। दोषों और त्रुटियों यानी गलतियां करने से और बुरे कर्म करने से वो हमें हमेशा रोकेगा, जो हमारा अच्छा मित्र होगा। हमें सत्य, पवित्रता, मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेगा। हमारे सत्य यानी हम जो सत्य बोलते हैं, सही बोलते हैं, सच बोलते हैं, हमारी पवित्रता जो हमारे अंदर होती है, सच्चाई, मर्यादा, हमें एक सीमित संसार में रहना, कि हमें एक संस्कारों को समझना कि नहीं ये काम गलत है, ये काम सही है, इसको हमें नहीं करना, उन चीज़ों को, उन समझ को वो और ज़्यादा बढ़ाता है कि हाँ तुम ऐसे ठीक हो, तुमने ये सही काम किया, तुमने झूठ नहीं बोला, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। इस प्रकार की बातों द्वारा वो हमारा और ज़्यादा दृढ़ हमको करेगा, और ज़्यादा मजबूत करेगा। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे, कुमार्ग का मतलब होता है बुरे मार्ग पर, यानी बुराई की तरफ जब हम जाने लगेंगे, तब वो हमें सचेत करेगा, तुरंत रोकेगा कि नहीं, ये काम तुम्हें नहीं करना है। जब हम हतोत्साहित होंगे, हतोत्साहित का मतलब होता है जब हम बिल्कुल हार जाएंगे, कोई काम को करते करते जब हमें लगेगा नहीं, ये हम काम अब नहीं कर सकते, हमारे बस का ही नहीं है ये काम, तो वो हमें हमारी बातों से, अपनी बातों से वो हमें समझाएगा कि नहीं तुम ये कर सकते हो, तुम ऐसा क्यों सोचते हो, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है, तब वो हमें उत्साहित करेगा उस काम को करने के लिए, और आगे मोटिवेट करेगा, हमें बढ़ावा देगा कि नहीं तुम ये काम करो और देखना तुम जरूर सफल होगे। तो सारांश यह है कि वे हमें उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरीके से सहायता देगा। यानी हम जो जीवन जीते हैं उसको हम कितने अच्छे से जी सकें, अच्छे तरीकों से, अच्छे कर्मों से जी सकें, उसमें वो हमेशा हमारा बढ़ावा देगा, जो हमारा अच्छा मित्र होगा। सच्ची मित्रता को यहाँ पे लेखक ने बताया है कि सच्ची मित्रता जो होती है उत्तम से उत्तम वैद्य की निपुणता रखती है। जब हम एक अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो तुरंत हमारे रोग को पहचानता है और एकदम सही दवाई देता है कि हाँ ये रोग है, ये दवाई से वो जाएगा।
उसी प्रकार से वो मित्र भी हमें समझने योग्य होता है। जो अच्छा मित्र होता है वो ये समझता है कि नहीं, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हम इस तरीके से दूर कर सकते हैं, और वो हमें तरीका बताता है क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता होती है ताकि वो हमें समझ सके, हमारी परेशानियों को समझ सके, परख सके। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य होता है, जिस प्रकार माँ हमारी प्रॉब्लम्स को समझती है, हमारी परेशानियों को समझती है, बिना गुस्सा किए, बिना कुछ परेशानी के वो हमारी समस्याओं को हल करती है, उसी प्रकार से सच्चा मित्र भी सेम वैसे ही होता है। उसके अंदर भी धैर्य बहुत होता है ताकि वो हर बार हमें उस संभाल सके बुराइयों को की तरफ जाने से। और कोमलता होती है, कभी वो गुस्सा नहीं करेगा, कभी वो आपको गुस्से में डांटेगा नहीं, बल्कि प्रेम से हर बार समझाएगा कि नहीं देखो तुम ऐसे करते हो, इस प्रकार नहीं, इस तरीके से करो। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो यहाँ पर जो लेखक है रामचंद्र शुक्ल, वो कहते हैं कि इसी प्रकार की मित्रता हमें हमेशा करनी चाहिए। हमें ऐसे ही लोग चुनने चाहिए जो हमारे जीवन को सफल कर सकें, हमें आगे बढ़ाने की प्रेरणा दे सकें, हमारे बुरे समय में हमारे काम आ सकें। तो आप सभी बच्चे इसको अब ध्यान से सुन चुके हैं, और अब इसको आप अगले, मैं जो प्रश्न दे रही हूँ अगले वीडियो में, उसमें आप उसको करेंगे। थैंक यू।